हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जगदीश प्रसाद वर्मा और आप देख रहे हैं नॉलेज आचार्य। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि किसी भी लैपटॉप या पीसी को विंडोज 10 से विंडोज 11 में कैसे अपग्रेड करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे कि हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट अपने सबसे लेटेस्ट विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टम को लॉन्च कर चुका है और माइक्रोसॉफ्ट ने अपने सभी यूजर्स को विंडोज 10 से विंडोज 11 पर जाने का ऑप्शन दे दिया है। लेकिन ये ऑप्शन सभी विंडोज 10 वाले लैपटॉप या पीसी पर अवेलेबल नहीं है। विंडोज 11 में अपग्रेड का ऑप्शन सिर्फ उन्हीं लैपटॉप या पीसी में दिखाई दे रहा है जो लेटेस्ट वर्जन के साथ TPM 2.0 यानी ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म मॉड्यूल को सपोर्ट करता हो, साथ ही 8 जनरेशन को आपका पीसी सपोर्ट करता हो और इसके अलावा 4GB रैम 64GB स्टोरेज कैपेसिटी की जरूरी रिक्वायरमेंट आपका पीसी पूरी करता हो। लेकिन दोस्तों, कैसे पता करें कि हमारा पीसी या लैपटॉप विंडोज 11 के लिए अपडेट मांग रहा है या नहीं, इसे चेक करने के लिए हमारे पास 2 मेथड है जिन्हें यूज करके आप अपने पीसी या लैपटॉप में ये पता कर सकते हैं कि आपका पीसी विंडोज 11 के लिए अपडेट मांग रहा है या नहीं। तो सबसे पहला ऑप्शन है दोस्तों हमारे पीसी में अपडेट एंड सिक्योरिटी वाला ऑप्शन, जिस पर जाकर आप पता कर सकते हैं आपका पीसी या लैपटॉप विंडोज 11 में अपग्रेड के लिए एलिजिबल है या नहीं। ये चेक करने के लिए सबसे पहले हमें जाना है स्टार्ट बटन पर, राइट क्लिक करके सेटिंग वाले ऑप्शन पर, यहाँ पर क्लिक करके हमें अपडेट एंड सिक्योरिटी वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है और इसे ओपन कर लेना है। जैसे ही अपडेट एंड सिक्योरिटी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर हमें विंडोज 11 वर्जन 22H2 is ready and it's free, ये वाला ऑप्शन अगर हमें दिखाई देता है और इसके अलावा डाउनलोड एंड इंस्टॉल बटन का ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब है कि आपका पीसी या लैपटॉप विंडोज 11 में अपग्रेड के लिए एलिजिबल है। तो सिंपल यहाँ से आप डाउनलोड एंड इंस्टॉल करके आप अपने विंडोज 10 को विंडोज 11 में अपग्रेड कर सकते हैं। इसके अलावा सेकेंड मेथड है दोस्तों पीसी हेल्थ ऐप। पीसी हेल्थ एप्लीकेशन के माध्यम से भी आप अपने पीसी में ये जान सकते हैं कि आपका पीसी विंडोज 10 से विंडोज 11 में अपग्रेड के लिए एलिजिबल है या नहीं। अगर यह एप्लीकेशन आपके पीसी या लैपटॉप पे नहीं है तो इसे आप इंस्टॉल कर सकते हैं। पीसी हेल्थ एप्लीकेशन के जरिए चेक करने के लिए हमें जाना है सबसे पहले पीसी हेल्थ एप्लीकेशन पर, जहाँ पर पीसी हेल्थ का डैशबोर्ड शो होगा। यहाँ पर हमें सिंपली चेक नाउ बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों हम चेक नाउ बटन पर क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पर हमारे पीसी में विंडोज 11 में अपग्रेड करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए वो सभी डिटेल यहाँ पर हमें शो करेगा, दिखाएगा। जैसे कि आपके पीसी में TPM 2.0 यानी कि ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म मॉड्यूल इनेबल होना चाहिए, आपका पीसी सिक्योर बूट को सपोर्ट करता हो, आपके पीसी का प्रोसेसर विंडोज 11 को सपोर्ट करता हो यानी कि मिनिमम कोर i5 होना जरूरी है, इसके अलावा आपके पीसी या लैपटॉप पे 4GB रैम और 64GB कम से कम सिस्टम डिस्क स्टोरेज होना जरूरी है, आपके पीसी या लैपटॉप पे 2 से 4 कोर का प्रोसेसर होना जरूरी है। अगर आपका पीसी या लैपटॉप ये सभी जरूरी रिक्वायरमेंट को पूरी करता हो तो आप आसानी से फ्री में विंडोज 10 को विंडोज 11 में अपग्रेड कर सकते। तो चलिए अब जान लेते हैं कि विंडोज 10 से विंडोज 11 में फ्री में अपग्रेड कैसे करें। इसके लिए दोस्तों आपको सिंपल सी कुछ स्टेप फॉलो कर लेनी है। सबसे पहले हमें अपने पीसी या लैपटॉप में चेक करना है कि हमारा पीसी या लैपटॉप विंडोज 11 को सपोर्ट करता है या नहीं। इसके लिए आप पीसी हेल्थ की मदद से आसानी से पता कर सकते हैं। इसके बाद में एक काम आपको करना है कि आपको अपने सभी डाटा फाइल्स, फोटो, ऐप, डॉक्यूमेंट्स का बैकअप ले लेना है। वैसे डाटा लॉस की पॉसिबिलिटी यहाँ पर कम है, लेकिन बेटर होगा कि आप सभी डाटास का बैकअप ले लें। और लास्ट में इसके बाद में आपको चले जाना है स्टार्ट बटन पर और यहाँ पर राइट क्लिक करके सेटिंग वाले ऑप्शन पर आपको चले जाना है। यहाँ पर आपको अपडेट एंड सिक्योरिटी वाला ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करके इसे ओपन कर लेना है। यहाँ अगर आपके पीसी में विंडोज 11 वर्जन 22H2 इज रेडी ये वाला ऑप्शन अगर शो हो रहा है
तो आपको डाउनलोड एंड इंस्टॉल का बटन दिखाई देगा जिस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर सॉफ्टवेयर लाइसेंस टर्म को एक्सेप्ट कर लेना है। आपके पीसी में विंडोज 11 डाउनलोड और इंस्टॉलेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। प्रोसेसिंग में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, इसलिए आपको यहाँ पर वेट कर लेना है। डाउनलोड और इंस्टॉलेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाने के बाद में आपका पीसी रिस्टार्ट मांगेगा। यहाँ पर हमें रिस्टार्ट नाउ बटन पर क्लिक करके अपने पीसी को रिस्टार्ट कर लेना है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा लैपटॉप विंडोज 10 से विंडोज 11 में सक्सेसफुली अपग्रेड हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं विंडोज 11 में अपग्रेड हो जाने के बाद में हमारे पीसी का जो टास्क बार है, जो आइकन शो हो रहे हैं, वो सभी सेंटर में शो हो रहे हैं और साथ ही विंडोज स्टार्ट बटन जो कि विंडोज 10 में कॉर्नर में शो होता है, वो विंडोज 11 में सेंटर में शो हो रहा है। इसके अलावा बैकग्राउंड में विंडोज 11 की थीम आपको दिखाई देगी। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो। किसी भी लैपटॉप या पीसी को विंडोज 10 से विंडोज 11 में फ्री में अपग्रेड कैसे करें, हमें उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को अभी लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।